बिजली कटौती से परेशान सालून ग्राम पंचायत के किसानों का धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन कलेक्टर संदीप कुमार माकिन के साथ हुई बातचीत के बाद समाप्त हो गया है। बता दें कि भारी बारिश और उमस भरी गर्मी में आमरण अनशन पर बैठे किसानों, महिलाओं और छात्र छात्राओं ने बिजली कटौती को लेकर आंदोलन छेड़ रखा है, जिसे जिला प्रशासन ने अपनी सूझबूझ और अनशनकारियों से बात करते हुए समाप्त करा दिया। अनशन कर रहे ग्रामीणों ने कलेक्टर संदीप कुमार माकिन की बात को पूरी गंभीरता से सुना और कलेक्टर के आश्वासन पर भरोसा करते हुए आमरण अनशन आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी। अनशनकर्ताओं को कलेक्टर संदीप कुमार माकिन ने एक पत्र भी सौंपा है, जिसमें समय पर बिजली कटौती समस्या के समाधान का उल्लेख किया गया है। बिजली कटौती से नाराज किसानों के साथ महिलाओं ने भी आमरण अनशन में शामिल होकर आंदोलन को समर्थन दिया था। किसानों की आमरण अनशन आंदोलन में देर रात दतिया कलेक्टर संदीप कुमार माकिन ग्राम पंचायत सालून पहुंचे और आंदोलन कर रहे किसानों, महिलाओं और स्कूली छात्र छात्राओं को समझाया कि प्रशासन शीघ्र ही बिजली समस्या का समाधान करके किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली दी जाएगी और किसानों को बिजली कटौती से परेशान नहीं होना पड़ेगा। कलेक्टर संदीप कुमार माकिन ने एक लेटर भी अनशनकर्ताओं को बताया, जिसे सार्वजनिक रूप से पढ़ा गया और लेटर पढ़ने के बाद सभी अनशन कर रहे ग्रामीणों ने कलेक्टर संदीप कुमार माकिन की बात सुनते हुए आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी। दतिया से शिवरमन सिंह राठौर की रिपोर्ट। ये लेटर कलेक्टर सामने पढ़ दिया है, मुझे लगता है सब ग्रामवासी से सहमत है। साहब लिखा है कि सालान बी को स्वीकृति दे दी गई है, विद्युत सब स्टेशन जो हमारी मांग थी। मैं बिना आप सभी से आपका आश्वासन लेके ही हम अनशन तोड़ेंगे। आप आश्वासन देंगे, हम अनशन तोड़ेंगे। बताइए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग भी साहब को देना, साहब भी वैसे साहब ने जितना प्रयास किया उतना 48 घंटे में लगातार। मैं एक बार सभी अपने ग्रामवासियों से कहना चाहता हूँ, इस पूरी भूमिका में कलेक्टर साहब की पूरी भूमिका रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कलेक्टर साहब को, पूरी पाबंदी से जनता की तरफ से, और थोड़ा उनसे माफी भी मांगना चाहूंगा कि थोड़ा जीवन में सोसाइटी को थोड़ा कष्ट दिया, उसके लिए भी मैं सभी लोगों से माफी भी चाहूंगा। लेकिन आप सभी ने हमारे लिए प्रयास किया, उसके लिए सालन भी आपका हमेशा कर्तव्य रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।